क्या सचिन पायलट का सीएम बनने का सपना चकनाचूर हो जाएगा? क्या 25 सितंबर की घटना के किरदार पर अब आलाकमान का डंडा चलेगा? ऐसा इसलिए क्योंकि रायपुर अधिवेशन से पहले कांग्रेस ने 75 AICC मेंबर्स की सूची जारी की है और इस सूची में सबसे खास बात ये रही कि 25 सितंबर की घटना के किरदार यानी कि महेश जोशी, शांति धारीवाल और धर्मेंद्र राठौड़ का नाम नहीं है, जिसके बाद सियासी गलियारों में ये चर्चाएं हैं कि क्या आलाकमान अब आर या पार के मूड में है। तो वही दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि पायलट गुट को बड़ा झटका देखने को मिल रहा है, क्योंकि 75 नाम की सूची में पायलट खेमे को भी खास तवज्जो नहीं मिली है। पायलट के अलावा उनके खेमे से महज 3 नेताओं को जगह दी गई है, मंत्री मुरारी लाल मीणा, विधायक इंद्राज गुर्जर के अलावा कुलदीप इंदौरा को भी पायलट खेमे से इस सूची में जगह मिली है। पायलट गुट को AICC की सूची में जगह नहीं मिलने से कई राजनीतिक कयास भी लगाए जा रहे हैं, जिसके बाद सियासी गलियारों में सवाल गूंज रहे हैं कि क्या अब पायलट का चुनाव से पहले सीएम बनने का सपना केवल सपना ही रह जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ इस सूची में एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दबदबा देखने को मिल रहा है। सूची में आधे से ज्यादा मंत्री विधायकों को जगह दी गई है। गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत, सीपी जोशी, सचिन पायलट का नाम सूची में सबसे ऊपर है, जिसके बाद राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस आलाकमान बीजेपी की तरह संगठन सर्वोपरि वाला पाठ पढ़ा रही है। लेकिन जिस तरह से अशोक गहलोत का दबदबा सूची में देखने को मिल रहा है, उसके बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या अशोक गहलोत ही कहलाएंगे बाजीगर, क्योंकि अब सियासी जानकार तो ये तक बता रहे हैं कि अब अशोक गहलोत भी सचिन पायलट की राह पर चल पड़े हैं। दरअसल जब सचिन मैदान में थे तो गहलोत अपना पिटारा तैयार करने में डटे थे और अब गहलोत अपने पिटारे के साथ यानी कि 25 लाख की चिरंजीवी योजना जैसे कई घोषणाओं के साथ मैदान में है और बार बार यही संदेश दे रहे हैं कि मैं थांसू दूर कोई नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।